नमस्कार, पांचजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं श्रीमान अशोक ओम प्रकाश शर्मा जी से। ओम प्रकाश शर्मा जी की आयु 100 वर्ष है, 100वें वर्ष में ये चल रहे हैं। इनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था और 1947 में ये लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इनके पिताजी उन दिनों लाहौर के एक मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। अगली इनके साथ जो और जो कुछ हुआ विभाजन के दौरान, उन्होंने क्या देखा क्या सुना, इनसे ही जानते हैं। बाबूजी आपका नमस्कार, धन्यवाद आप जी हमसे बात करने के लिए। जी आप, जब विभाजन की बात आती है तो विभाजन के समय, चूंकि आप तो उस समय 24 साल के थे, सारी चीजें आपको ध्यान है, आप कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो क्या वैसा वहाँ उस समय क्या माहौल बना? माहौल उसमें वैसे हिंदू थे वो उस समय सारे इकट्ठे हुए थे, हिंदू थे, और उस प्रकार का जो वायुमंडल बना उस वायुमंडल का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों के साथ और हिंदू सब इकट्ठे हो गए थे। हालांकि लाहौर में हम जो लाहौर शहर था पुराना, उस शहर के अंदर एक शालमी दरवाज़ा था, शालमी दरवाजे के अंदर शहर था पुराना, और बहुत से दरवाजे थे, लाहौरी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा और वगैरह वगैरह, और ज़्यादातर जो वहाँ के असली बाशिंदे थे वो उस शहर के अंदर रहते थे। और उसके बाद फिर बहुत से नगर बसे, कृष्ण नगर, राम नगर, श्याम नगर, और ऐसे बहुत से नगर। हम फिर वहाँ कृष्ण नगर में आ गए थे। भाऊ जी ये बताइए कि फिर जब विभाजन हुआ कि उस समय जब आपको कैसे इसकी जानकारी मिली कि जो भारत का विभाजन हो गया है? जानकारी कैसे मिली जी? वो तो हम सबके साथ थे, हम जब विभाजन हुआ तो, और जो भी कार्यक्रम होते थे उनके साथ होते थे हम वहाँ पर। अखबारें, एक बहुत सी अखबारें जो थी वो और संघ के फेवर में थे, हिंदू अखबारें। हाँ जी, जैसे प्रताप, मलाप, वीर भारत, ये अखबारें सारे तो हिंदू विचारों की थी। सारी जो भी खबरें ऐसी होती थी वो उनमें आती थी, वो देते थे खबरें जो दे सकते थे। तो लाहौर में मार काट कैसे शुरू, आपने वो देखा होगा उन चीज़ों को आपने अपनी आँखों से? लाहौर में मार काट ही देखी हमने, यानी कि कत्लेआम हो रहा है जी, ये रहा है, ऐसा कम देखा हुआ। तो फिर हिंदू वहाँ से कैसे निकल गए? क्योंकि वो हिंदुओं को एक मुसलमानों का डर पैदा हो गया, मुसलमान जो थे वो डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और हिंदू यहाँ से चले जाओ, हिंदू यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, ये था। और फिर वो जो उस समय, अब बहुत सी बातें हैं तो मैं भूल गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी जी, नाम ही भूल गए हम।
उन दिनों आपके परिवार में कौन कौन लोग थे लाहौर में? लाहौर में पिताजी तो शकरगढ़ में थे उन दिनों, पिताजी तो थे, माताजी वो लाहौर में नहीं थे, वहाँ मेरे बड़े भाई थे। और बड़े भाई और बड़े भाई का परिवार बाद में वहाँ वहाँ वहाँ। तो फिर पिताजी और जब विभाजन हुआ तो आप लोग भी इधर आए और पिताजी भी आए। तो वहाँ कहाँ आए उसके विभाजन के बाद आप लोग इधर कहाँ आए? विभाजन के बाद तो हम दिल्ली में आए। विभाजन के बाद हम दिल्ली में आए। कैसे आए और किन किन लोगों के साथ आए? काफी लोग इकट्ठे होकर और ऐसे टोली बनाकर आते थे। अकेले के लिए नहीं आते थे, अकेले के लिए आना बड़ा मुश्किल था। टोली बना करके आए, यानी हिंदुओं की टोली टोलियां आने लगी। ऐसी कुछ घटना बताएं आप कि हमारी टोली पर हमला हुआ और इतने आदमी मारे गए और हम बचकर आ गए, ऐसे ही लोग बताते जी। तो दिल्ली में कहाँ रहते थे उन दोनों जब आए आप लोग? तो पहाड़गंज भी रहे हैं पहले। पहाड़गंज के बाद रिफ्यूजी कॉलोनी थी, रिफ्यूजी कॉलोनी में हम रहे। तो वहाँ के जो कैंप कमांडेंट था टोपन दास सिंधी था, तो मैंने कहा टोपन दास जी, कहने लगा क्या बात है? मैं कहा यार ये हम कालू में रहेंगे तो हमें कोई अलाटमेंट कर दो, मतलब किसी मकान की, ये जो रिफ्यूजियों के लिए मकान बनाए गए हैं इनमें कोई अलाटमेंट कर दो, यहाँ कब तक हम किराए पर रहेंगे। फिर उन्होंने, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने फिर हमें और मकान अलाट कर दिया यहाँ पर पहाड़गंज में। पटेल नगर में हो या पहाड़गंज में हो, सब परिवार के सारे लोग साथी थे, माता पिता भाई भाभी आप? माता पिता तो ना उस समय वो तो दिल्ली में नहीं थे ना, क्योंकि पिताजी उस समय टीचर थे अभी, तो वो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो दिल्ली में। अच्छा, उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट हो गई थी उनकी। आप लाहौर में सन 47 में किस क्लास में पढ़ा करते थे कॉलेज में? लाहौर में हाँ पढ़ाई कर रहे थे ना उस समय? हाँ। किस क्लास में? लाहौर में मैं फर्स्ट ईयर में। हाँ जी। नहीं तो यहाँ फिर पढ़ाई आपकी जारी रही दिल्ली में? आप दिल्ली में पढ़ाई जारी है। जी जी। फिर पढ़ाई करने के बाद अपना कुछ काम किया या कोई नौकरी वगैरह आपने पकड़ी? नौकरी लग गई थी, रिफ्यूजी कॉलोनी थी वहाँ पर, जो स्कूल थे वो वहाँ पर। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ाने लगे आप? कौन आप? हाँ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा जी। आपने कोई वर्ग प्रशिक्षण वगैरह भी किया, ओटीसी वगैरह भी किया? मेरा तृतीय वर्ष मेरा हुआ नागपुर में। संघ में आपका दायित्व भी आप तब रहा होगा आपके पास? मेरे पास पाकिस्तान में भी
दायित्व था और जिले का दायित्व भी रहा मेरे पास, जिला कार्यवाह रहे। हाँ, वहाँ भी रहा, लाहौर में भी रहा। हेलो, फिर दिल्ली में भी रहा। दिल्ली में तो रहा, फिर कैसे का? आप रिटायर कब हुए फिर नौकरी से? नौकरी से रिटायर वो तो इधर आकर ही हुआ जी। परिवार में कौन कौन लोग हैं इस समय? अभी इतने परिवार में एक पे बैठे हैं। कितने कौन कौन हैं? एक एक तो उनके परिवार में तीन बेटियां थी, दो ही बेटियां थी। एक बेटी, मेरी मम्मी और मेरी मासी, उनकी दो ही बेटियां थी, जिनका फिर मेरी मासी का एक बेटा है और मेरी मम्मी के मैं और मेरे ब्रदर हैं, और फिर हमारे अपने अपनी फैमिलीज हैं। और यहाँ पे नाना जी, अभी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और नाना जी रहते हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन में आपने हिस्सा लिया होगा? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि जाते थे हम। उसमें क्या क्या होता था नाना जी? पासे हुई नारे बाजी, दब पता चलना कि इस इलाके में मुसलमानों का थोड़ा जोर हो रहा है, तो एक बड़ा जत्था बनाकर और उधर जाते थे हम, वहाँ उनको रोकने के लिए। फिर वो जत्था उधर नहीं आता था। अच्छा, यानी हिंदू नवयुवकों का यही काम था उन दिनों। हाँ। तो ये थे ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी ने अपने इस 100 वर्ष के जीवन में स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई, संघ के स्वयंसेवक के नाते बहुत दायित्व का निर्वाह, कई दायित्वों का निर्वहन किया। 1947 में विभाजन के समय हिंदुओं की रक्षा के लिए काम किया। दिल्ली में आने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, और इस समय इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 100 वर्ष की आयु में भी ये कोई दवा नहीं लेते, स्वयं चलते हैं, इस आयु में भी शीर्षासन करते हैं, 2 घंटे योग ध्यान करते हैं, सुबह सैर करते हैं, प्राणायाम करते हैं। सच में इनका जीवन बहुत ही प्रेरक है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5jany@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5jany@gmail.com।